हेलो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। तो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का सेवेंथ लेसन ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया है। उस लेसन के तीन पार्ट्स हैं, तो आज हम सेवेंथ लेसन ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया के सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। ओके, लेसन का नाम है कुर्ग। देखिए, कुर्ग एक जगह का नाम है। कुर्ग इज अ वेरी ब्यूटिफुल हिल स्टेशन इन वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका। तो ये कोई भी स्टोरी नहीं है, ये बस कुर्ग का एक ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। द राइटर डिस्क्राइब्स द हिल स्टेशन ऑफ कुर्ग लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट्स इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो इस लेसन में हमारे राइटर ने कर्नाटका के वेस्टर्न घाट्स में सिचुएटेड एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन का जिक्र किया है। कुर्ग एक बहुत खूबसूरत जगह है। ऑल्दो बहुत सारे लोग इस नाम को जानते नहीं, आप में से कईयों ने भी पहली बार इस नाम को सुना होगा। कुल्लू मनाली और लेह लद्दाख मसूरी, ये सब आपने डेफिनेटली सुना होगा, लेकिन कुर्ग ज्यादातर लोगों ने नहीं सुना पहले, क्योंकि ये इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। लेकिन ये जगह नेचर के बहुत बहुत ज्यादा करीब है। इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस। मतलब इंडिया में बहुत सारी जगह बहुत खूबसूरत है, लेकिन स्टिल ज्यादा लोग उनके बारे में नहीं जानते। हम इंडियंस होते हुए भी कुर्ग के बारे में ज्यादा नहीं जानते। इस लेसन में राइटर ने बहुत ब्यूटीफुली इस जगह के बारे में एक्सप्लेन किया है, डिस्क्राइब किया है। ठीक है, इट इज लोकेटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर। तो कुर्ग मैसूर और मैंगलोर के बीच में है। ठीक है, द सूटेबल टाइम टू विजिट कुर्ग इज फ्रॉम सेप्टेम्बर टू मार्च। और अगर आप कुर्ग जाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट टाइम है सितंबर से मार्च। इस बीच में वहां का मौसम बहुत अच्छा रहता है, आप बहुत अच्छे से उस प्लेस को एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो सितंबर से मार्च के बीच में जाइए, दैट इज द बेस्ट टाइम टू विजिट कुर्ग। द प्लेस इज फेमस फॉर कॉफी प्लांटेशन एंड स्पाइसेस। कुर्ग अपनी कॉफी प्लांटेशन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। कुर्ग अपने स्पाइसेस के लिए भी बहुत फेमस है। There are abundant rainforests which cover 30% of the area. और कुर्ग में रेन फॉरेस्ट की भरमार है। कुर्ग का 30% एरिया रेन फॉरेस्ट से ही कवर है। इस वजह से वहां का मौसम बहुत बहुत अच्छा होता है। ठीक है, The Kurgi men are brave warriors who are permitted to keep firearms without a license due to their trustworthiness. फायरआर्म्स मतलब होता है बंदूकें। तो कुर्ग के जो आदमी होते हैं, दे आर वेरी ब्रेव, दे आर सेड टू बी ब्रेव वॉरियर्स। उन्हें बहुत बहादुर माना जाता है, और सिर्फ कुर्गी मेंस के पास ही फायरआर्म्स रखने की परमिशन होती है, दैट टू विदाउट अ लाइसेंस। और हमारे इंडिया में किसी के पास भी ये परमिशन नहीं है कि वो फायरआर्म्स को बिना लाइसेंस के रख सके, लेकिन कुर्गी मेंस को बहुत ज्यादा ईमानदार माना जाता है, जिसकी वजह से उन्हें ये परमिशन होती है कि वो बिना लाइसेंस के फायरआर्म्स कैरी कर सकें। ओके, सिर्फ कुर्गी मेंस को ही परमिशन होती है कि वो बिना लाइसेंस के फायरआर्म्स कैरी कर सकते हैं। द वुमेन ऑफ कुर्ग आर प्रिटी। कुर्ग इज ऑल्सो नोन एज कोडावू, एंड द कोडावूज दो आर हिंदू बाय रिलीजन, बट देयर कस्टम्स डिफर फ्रॉम दोज ऑफ मेन स्ट्रीम हिंदूज। कुर्ग के फीमेल्स बहुत बहुत प्रिटी होती हैं। कुर्ग का दूसरा नाम कोडावू भी है, तो कुर्ग में जो लोग रहते होंगे उनको क्या बोलेंगे, कोडावूज या फिर कुर्गी। तो जो कोडावूज हैं वो बेसिकली हिंदू होते हैं बाय रिलीजन, लेकिन उनके जो रिचुअल्स होते हैं वो मेन स्ट्रीम हिंदू से कुछ अलग होते हैं। ठीक है, दे मैरी विद इन देयर कम्युनिटी। कोडावूज आर सेड टू बी ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। ये जितने भी कुर्गी मेंस और वुमेन्स होते हैं, ये आपस में ही अपनी कम्युनिटी में शादी कर लेते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि कोडावूज मतलब द पीपल ऑफ कुर्ग, दे आर ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। मतलब इनके एंसेस्टर्स ग्रीक रहे होंगे या तो अरेबिक। इसके पीछे भी एक कहानी है। सम सोल्जर्स ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी सेटल्ड देयर ऑल्सो एज द एथनिक ड्रेस ऑफ कोडावूज कुपिया is similar to the Arab garment kufia. It is said that maybe their ancestors were Arabs or Kurds.
तो ये कहानी है कि एक बार अलेक्जेंडर के कुछ सोल्जर्स हमारे यहाँ पर आ गए थे, फिर वो वापस नहीं ला पाए तो यहीं पर सेटल हो गए और यहाँ पर ही लोकल लड़कियों से उन्होंने शादी कर ली। ठीक है, वो बस गए यहाँ पर। तो इसलिए ये जो कुर्गी लोग हैं, इनके कल्चर हिंदू रिचुअल से इनके रिचुअल्स थोड़े अलग हैं। देखिए, ग्रीक और अरेबिक डिसेंट के जो लोग थे ना, उनकी ड्रेस का नाम था कुफिया और कोडावुस की एथनिक ड्रेस का नाम है कुप्पिया। कुफिया और कुप्पिया काफी हद तक सिमिलर हैं। अरब और ग्रीक डिसेंट के लोग भी वेस्ट बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं, कोडावुस भी वेस्ट बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि इनके एंसेस्टर्स अरब या फिर ग्रीक डिसेंट के थे। ठीक है, द रिवर कावेरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम कुर्ग। कावेरी नदी का तो आप सभी ने नाम सुना होगा, तो वो कावेरी नदी भी कुर्ग से ओरिजिनेट होती है, कुर्ग से निकलती है। द फिश नेम्ड महासीर इज फाउंड इन द रिवर, और कावेरी नदी में महासीर नाम की एक मछली पाई जाती है। महासीर बहुत बड़ी फिश होती है एक्चुअली, और ये सिर्फ कुर्ग में ही पाई जाती है। Many animals and birds like kingfisher, langur, squirrels and elephants can be spotted along the river. और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुर्ग नेचर के बहुत ज़्यादा क्लोज है, अगर आप यहाँ पर ऐसे ही घूमने निकलेंगे पैदल पैदल, आप बहुत सारे जानवरों से मिलेंगे। यहाँ पर birds होती हैं, kingfisher, langur मिलेंगे आपको, squirrels मिलेंगी, साथ ही साथ में आप elephants को भी देख सकते हैं। Tourists relax in the serene atmosphere and also enjoy adventure sports like river rafting, canoeing, rappelling, mountain biking, rock climbing and trekking. कुर्ग में टूरिस्ट काफी आते हैं, टूरिस्ट यहाँ पर रिलैक्स करने के लिए आते हैं क्योंकि ये जगह नेचर के बहुत ज्यादा क्लोज है एंड नेचर गिव यू अ रिलैक्सेशन, यू नो। तो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं नेचर के इतने ज्यादा करीब रहकर। वो कई सारे वाटर स्पोर्ट्स भी से इनके एंजॉय करते हैं, जैसे कि रिवर राफ्टिंग हो गई, कैनोइंग, रैपलिंग, माउंटेन बाइकिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड ट्रैकिंग। ये सारे वाटर स्पोर्ट्स वो यहाँ पर एंजॉय करते हैं। वाइल ट्रैकिंग ऑन द नेचर ट्रेल्स, एनिमल्स लाइक मकेक, मालाबार, स्क्विरल्स, लंगूर एंड स्प्लेंडर लॉरिस कैन बी स्पॉटेड ऑन द ट्रीज। तो यहाँ पर पहाड़ों में ट्रैक करते समय आपको बहुत सारे जानवर मिल जाएंगे, मकेक बंदर, मालाबार स्क्विरल, लंगूर्स, स्प्लेंडर लॉरिस, ये बहुत आराम से आपको कुर्ग के जंगलों में मिल जाएंगे क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा क्लोज है नेचर के, तो यहाँ पर सारे जानवर आपको देखने को मिलेंगे। द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस आर ब्रह्मगिरी हिल्स, निसार गंधाम आइलैंड एंड बाइलकुप्पी तिब्बतन सेटलमेंट्स। तो सबसे ज्यादा टूरिस्ट इन तीनों जगहों पर आते हैं। टूरिस्ट को ब्रह्मगिरी हिल्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। ब्रह्मगिरी हिल्स से आप पूरे कुर्ग को देख सकते हैं, निसार गंधामा आइलैंड और बाइलकुप्पी तिब्बतन सेटलमेंट, ये इंडिया की सबसे बड़ी सेटलमेंट है। तो ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है टूरिस्ट के लिए और इवन इंडियंस के लिए भी। कुर्ग गिव्स विजिटर्स अ फील ऑफ इंडियाज डाइवर्स कल्चर्स। तो यहाँ पर आकर टूरिस्ट को यह पता चलता है कि इंडिया का कल्चर कितना ज्यादा डाइवर्स है। यहाँ पर बहुत बहुत टाइप के लोग पाए जाते हैं और यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर जगहें भी हैं विच आर अनएक्सप्लोर्ड, जो इतनी ज्यादा फेमस नहीं है लेकिन बहुत सुंदर है। जब आप लेसन पढ़ेंगे ना तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से फील कर पाएंगे। राइटर ने बहुत ब्यूटिफुली इस यू नो लेसन को लिखा है, तो मेरी एक तरह से सलाह समझ लीजिए, आप इस लेसन को रीड करें, छोटा सा लेसन है, तब बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। आई होप चीजें आपको समझ आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है लेसन से रिगार्डिंग तो उसे प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा लें। चलिए आपसे मिलते हैं हम आगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।